हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति यादव स्वागत करती हूँ हमारे एक और नई वीडियो में। गर्भ के अंदर बच्चे की हलचल का एहसास हर माँ के लिए काफी खास होता है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके गर्भ में बच्चे की हलचल आपको कब महसूस होती है और अगर आपको किन्हीं कारणों की वजह से अपने शिशु की हलचल महसूस होना बंद हो जाए तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको आपके बेबी की हलचल महसूस होने लग जाए। तो आप मेरा ये वीडियो पूरा जरूर देखें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपने गर्भ में शिशु की जो हलचल है वो महसूस कब होती है। अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं तो आपको शिशु की हलचल लगभग छठवें महीने के आसपास महसूस हो जानी चाहिए। वहीं क्या होता है, अगर आप पहले माँ बन चुकी हैं तो आपको शिशु की हलचल पांचवें महीने में महसूस हो जाती है, क्योंकि बच्चा हलचल तो पांचवें महीने में ही शुरू कर देता है। पर पहली बार माँ बन रही महिलाओं को पता नहीं होता कि ये शिशु की हलचल है या फिर कुछ और, तो आप उस हलचल को जो है वो पहचान नहीं पाती। लेकिन अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते तक शिशु की हलचल महसूस नहीं कर पाती हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि इस समय तक आपको अपने शिशु की हलचल महसूस हो जानी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक बार आपके शिशु की हलचल महसूस होनी शुरू हो गई है तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो आपको जैसे ही आपके बेबी की हलचल महसूस होने लगती है उसके बाद आप अपने बेबी की हलचल पर ध्यान दें। अगर आपको बहुत देर तक यानी कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक कोई भी मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है तो फिर आपको टेंशन लेनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी की मूवमेंट बंद हो जाना अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे में अगर आपके बेबी की हलचल महसूस होना बंद हो गई है या फिर बहुत कम हो गई है तो ये बताता है कि आपके बेबी को गर्भ में कोई दिक्कत हो रही है या फिर आपकी प्रेगनेंसी सही नहीं चल रही है। तो आप ये कुछ टिप्स आजमा सकती हैं जिनसे आपको ज़्यादातर केसेस में बेबी की मूवमेंट तुरंत महसूस होने लगेगी। इसमें सबसे पहली टिप है 1 गिलास ठंडा या फिर गुनगुना पानी पीना। हर गर्भवती महिला के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अगर आप 1 गिलास ठंडा या फिर गुनगुना पानी पीती हैं तो शरीर के जो टेम्परेचर में बदलाव आ जाता है जो कि एक छोटे से झटके के बराबर होता है, जिसकी वजह से आपका बेबी तुरंत रिएक्ट करने लगता है और आपको बेबी की हलचल पानी पीने के कारण लगभग 15 मिनट में महसूस हो जाएगी। दूसरी टिप है कुछ मीठा खा लें। आपके बेबी की डेवलपमेंट में आपके शरीर की ब्लड शुगर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो ऐसे में अगर आप कुछ मीठा खाती है तो बच्चे को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। इसके लिए आप आइसक्रीम खा सकती हैं, क्योंकि आइसक्रीम से 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है, दूसरा बच्चे को भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि अगर सर्दियां चल रही हैं तो आप आइसक्रीम को अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपको ठंड लग सकती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको काफी परेशान कर सकती है। ऐसे में आप कोई भी मिठाई, टॉफी या फिर लॉलीपॉप खा सकती हैं। तीसरा, अगर आपको अपने बेबी की मूवमेंट कम महसूस हो रही है तो आप थोड़ा सा चल फिर लें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पेल्विक एरिया पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से आपके गर्भाशय में ब्लड की मूवमेंट शुरू हो जाती है और बेबी भी मूवमेंट करने लगता है। चौथा, फ्रूट जूस पी लें। अगर आपको अपने बेबी की मूवमेंट महसूस नहीं हो रही है या कम महसूस हो रही है तो आप फ्रूट जूस पी लें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान फ्रूट जूस आपको पीने के लिए बोला ही जाता है, दूसरा आपके शरीर में नेचुरली शुगर जाती है जिसकी वजह से आपका बेबी मूवमेंट करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बात का ध्यान दें कि फ्रूट जूस घर का ही होना चाहिए, क्योंकि बाजार के फ्रूट जूस में केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक स्टोर किए जाए और बाजार में खुले मिलने वाले फ्रूट जूस में साफ सफाई नहीं होती है जिसकी वजह से आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा है, आप आराम करें। कई बार आप काम के चलते बेबी की मूवमेंट को सही से महसूस नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कवर करके थोड़ा सा लेट जाएं। इससे आपके गर्भाशय में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और आपको बेबी की मूवमेंट महसूस होने लगती है। छठवां, अच्छा म्यूजिक सुने। प्रेगनेंसी के 6वें महीने के आसपास आपका बेबी आपकी बातों को सुन सकता है। ऐसे में अगर आप अच्छा और शांत म्यूजिक सुनती हैं तो आपके बेबी को अच्छा लगने लगता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करने लगता है।
अगर ये सब करने के बाद भी आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि ये किसी गंभीर समस्या की निशानी हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सभी कमेंट्स का रिप्लाई कर सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।